ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है जिसमें ये बाइनरी सर्च फंक्शन का प्रोटोटाइप है, प्रिंट एडर फंक्शन का प्रोटोटाइप है, प्रिंट रो फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में एरे को इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइजेशन में हमने सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद में एक नंबर रीड किया है जिसको हमें सर्च करना है, उसके बाद में बाइनरी सर्च जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया। यदि ये फंक्शन रिटर्न वैल्यू -1 नहीं देता है तो हम पोजीशन नंबर प्रिंट कर देते हैं कि इतने नंबर पोजीशन में हमें एरे का ए एलिमेंट मिल गया, अदरवाइज हम कह देंगे कि ये की हमें नहीं मिली। उसके बाद में बाइनरी सर्च फंक्शन क्या है, तो बाइनरी सर्च फंक्शन है वो एक सर्चिंग फंक्शन है जिसमें इनपुट में एक एरे ऑर्डर्ड एरे है, एक सर्च की है जिसको हम सर्च करेंगे, और एरे का पार्ट है कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है, लो से हाई तक सर्च करना है। इनिशियली नॉर्मली हम जब एरे में सर्च करते हैं तो लो वो वैल्यू होती है जो एरे का मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर 0 लेंगे, जहाँ फंक्शन को कॉल किया वहाँ 0 लिया है, और हाई साइज से 1 कम लिया है। इसमें एक वाइल नाम का फंक्शन है और वो वाइल नाम का लूप है, और वाइल नाम के लूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिडिल नाम के वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं जो लो और हाई का एवरेज है, उसके बाद में हम उस रो को प्रिंट कर देते हैं। कहाँ से, तो प्रिंट रो में एक हम इनपुट में एरे दे रहे हैं, लो मिडिल एंड हाई, ये 3 वेरिएबल्स इनपुट में इनपुट पैरामीटर में दे रहे हैं। मतलब एरे को हम सर जब प्रिंट करेंगे तब हम सिर्फ लो और हाई वाली को ही प्रिंट, लो एंड हाई के बीच वाली वैल्यूज को ही प्रिंट करेंगे, पूरी एरे को हम प्रिंट नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो सर्च किया उसको एरे के मिडिल एलिमेंट से सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, सभी एलिमेंट से कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ मिडिल एलिमेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं। यदि ये इक्वल हो जाता है तो ये रिटर्न ये फंक्शन है वो मिडिल वैल्यू को, जो पोजीशन नंबर है मिडिल वैल्यू की, उसको रिटर्न कर देता है। अदरवाइज ये सर्च करता है कि सर्च किया वो मिडिल वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, यदि छोटी है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली एरे काम में लेंगे, यदि बड़ी है तो राइट हैंड साइड वाली काम में लेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेट करने के लिए हम हाई या लो वैल्यू को सेट करते हैं। इनिशियली लो वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड मिडिल से लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए लो को 0 ही रखेंगे और हाई को मिडिल -1 कर देंगे। राइट हैंड साइड सेलेक्ट करने के लिए हाई को जो पहले वैल्यू वही रखेंगे और लो को मिडिल +1 कर देंगे। तो ये मिडिल से एक तरफ की एरे को ही काम मिलेगा और वाइल लूप में जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उतने ही पार्ट में ये सर्च करेगा। यदि फाइनली सारे लूप पूरे होने के बाद भी इसको वैल्यू नहीं मिलती है तो ये रिटर्न करेगा -1। प्रिंट एडर जो फंक्शन है वो सिर्फ पहले प्रिंट करेगा सबस्क्रिप्ट्स और नेक्स्ट लाइन में जो एरे में पोजीशन नंबर्स हैं वो प्रिंट करेगा 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ एरे साइज हमने लिया 30, तो ये 0 से 28, एरे साइज हमने लिया 15, तो 0 से 14 तक प्रिंट करेगा। उसके बाद में न्यू लाइन में ये माइनस साइन को प्रिंट करेगा, कितनी बार प्रिंट करेगा, माइनस साइन को ये 4 times साइज, मतलब लगभग 60 बार प्रिंट करेगा। और इस तरह से नेक्स्ट हम ले रहे हैं प्रिंट रो, तो प्रिंट रो जो फंक्शन है उसमें हम रो को प्रिंट कर रहे हैं, जो एरे है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक प्रिंट करने का मेथड ये है, एरे पूरी है हम पूरी एरे को प्रिंट नहीं कर रहे, उसको सिर्फ जितने पार्ट में हम सर्च कर रहे हैं उतने को ही प्रिंट कर रहे हैं, मतलब लो और हाई की जो वैल्यूज हैं उनके बीच वाले पार्ट को ही प्रिंट कर रहे हैं। यदि हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली एरे चूज की है प्रिंट करने के लिए तो उसको प्रिंट कर रहे हैं, यदि राइट हैंड साइड वाली एरे प्रिंट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में उतने स्पेस आने के बाद राइट हैंड साइड में एरे प्रिंट होनी चाहिए। इसलिए हम फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, यदि आई की वैल्यू काउंटर की वैल्यू लो या हाई, लो से कम या हाई से ज़्यादा है तो स्पेस प्रिंट कर दे, अदरवाइज यदि ये आई की वैल्यू मिड के बराबर है, मिडिल वैल्यू के बराबर है तो वहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर दे। ये स्टार हम मिडिल वैल्यू के साथ प्रिंट कर रहे हैं जिससे जो आउटपुट में प्रिंट आ रहा है वहाँ पर डिस्प्ले में हमें स्टार दिखाई दे और वहाँ हमें ये देखना आसान रहे कि मिडिल वैल्यू कौन सी है, अदरवाइज हम नॉर्मली वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है।
रन, यहाँ पर 0 से 28 के बीच का कोई नंबर देना है, हम दे देते हैं 14। तो 14 इसको फर्स्ट राउंड में मिल गया कि मिडिल वेरिएबल है, सातवें नंबर पे है। हम फिर से रन करें, हम दे देते हैं 0। 0 इसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, हमने 0 इनपुट में दिया तो इसने ये एडर प्रिंट कर दिया, देन एरे को प्रिंट किया जिसमें मिडिल वैल्यू 14 है, जिसके स्टार लगा है। 0 है वो मिडिल वैल्यू से छोटा है, इसलिए लेफ्ट साइड वाली एरे को काम में लिया, जिसका मिडिल वैल्यू 6 है वो भी 0 के बराबर नहीं है, और 0 इस मिडिल वैल्यू से भी छोटा है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड की हाफ एरे को काम में लिया, जिसमें वैल्यू 2 है, 2 भी 0 से छोटा है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और 0 इसको मिल गया। हम दूसरा नंबर लेते हैं, हम 28 लेते हैं, तो 28 एकदम 0 से ऑपोजिट रहा, यहाँ 28 है वो मिडिल वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए राइट हैंड साइड वाली एरे को काम में लिया, फिर मिडिल वैल्यू 22 मिली, 28 उससे भी ज़्यादा है, तो फिर राइट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को, और इसको 14 नंबर पे 28 मिल गया। हम कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे हम वैल्यू लेते हैं 16, तो 16 में इसको दोनों काम करने पड़े हैं। सबसे पहले पूरी एरे में चेक किया, मिडिल वैल्यू 14 है, 14 से 16 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए राइट हैंड वाली एरे को चूज किया, उसमें मिडिल वैल्यू है 22 जो 16 से बड़ी है, मतलब 16 उस मिडिल वैल्यू से कम है, तो इस बार लेफ्ट हैंड साइड वाली एरे को काम में लिया एंड देन लेफ्ट को, और इसको ये 16 मिल गया। हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इनमें मैक्सिमम ये 4 राउंड में सर्च कर रहा है, 4 बार कंपेरिजन कर रहा है। हम कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं 100 एरे के अंदर नहीं है, तो ये इसको सर्च करने में नहीं मिली। हम कोई और वैल्यू लेकर देखें 17, तो 17 भी इसको नहीं मिला, 13 भी इसको नहीं मिला, लेकिन कहीं भी हम देख रहे हैं ये 4 बार कंपैरिजन कर रहा है, 4 बार एरे को प्रिंट कर रहा है, मतलब 4 बार कंपैरिजन कर रहा है, और 15 एलिमेंट्स में 4 राउंड में ये डिसाइड कर लेता है कि ये एलिमेंट इस एरे में है या नहीं है। हम इसको समझें, तो पहले फंक्शन है जो एडर प्रिंट कर रहा है उसको समझते हैं। तो ये है एडर, जिसमें सबस्क्रिप्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड नीचे हाइफन से बनी एक सिंपल लाइन ये प्रिंट करे। तो ये वो है फंक्शन जिससे हम ये काम कर रहे हैं। तो इसमें सबस्क्रिप्ट्स को प्रिंट कर दिया, वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया, 1 to 0 to 14 इंटीजर्स को प्रिंट कर दिया, देन न्यू लाइन में हाइफन प्रिंट कर दिए। अब हम एक इवन इंटीजर्स की एरे का एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक एरे है जिसको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इस एरे में हम जैसे 20 सर्च करना चाहते हैं, तो कैसे सर्च करेंगे? तो हम पहले मिडिल पार्ट को ढूंढ लेते हैं। मिडिल में है 14 जिसके हमने स्टार लगा दिया है, हम इस पे फोकस करें तो 20 है वो इस मिडिल वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब 20 इस एरे में इस मिडिल वैल्यू के राइट हैंड साइड में होगा, दाईं तरफ होगा। तो दाईं तरफ की एरे को हम चूज कर लेते हैं। दाईं तरफ एरे में एलिमेंट्स हो गए 16 to 28, जिनका मिडिल पार्ट है 22। अब हम यहाँ पर और देखें तो 22 से 20 है वो छोटा है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड देन फिर राइट हैंड साइड, और इसको 20 मिल गया। ये प्रोसेस हम इस तरह से रिपीट करते जाते हैं रिमेनिंग पार्ट को, तो हमें इस प्रोसेस में वो नंबर है या नहीं ये मिल जाता है, है तो उसकी पोजीशन, अदरवाइज वो नहीं है। अब हम एरे को पार्शियली कैसे प्रिंट कर रहे हैं? तो ये प्रिंट रो नाम का फंक्शन है, ये पार्शियली एरे को प्रिंट कर रहा है। ये क्या करता है, इसमें हम पहले फंक्शन की स्ट्रक्चर को समझें। तो इसमें एरे है वो इनपुट के रूप में है, फिर एरे का मिनिमम वैल्यू जो हमें प्रिंट करनी है वो इनपुट के रूप में है, फिर एरे की मैक्सिमम वैल्यू जो है मिडिल वैल्यू जो है वो इनपुट के रूप में, मतलब मिडिल सबस्क्रिप्ट है ये लो मिडिल एंड हाई। उसके बाद में एरे की मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिमम जो पोजीशन है जो प्रिंट करना है वो है यहाँ पर, जो फॉर लूप है वो काउंटर वेरिएबल आई पर हमने लगा दिया है,
ये लूप पूरा चलेगा जीरो से साइज तक, प्रिंट सिर्फ वो वैल्यूज होंगी जो लो से हाई के बीच में। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, यदि काउंटर वेरिएबल है वो हाई या लो के बीच में है नहीं है तो ये स्पेस प्रिंट करे, यदि हाई यदि मिडिल के इक्वल है तो एक स्टार के साथ प्रिंट करें, और यदि कुछ और है तो ये सिंपली उनको प्रिंट करें। अब हम फिर से 20 को स्टार सर्च करते हैं इस एरे में और प्रिंट करने का मेथड देखते हैं। तो ये मिडिल नंबर है जिसमें हमने स्टार प्रिंट कर दिया। अब हमें देखना है कि जो नंबर है वो लेस देन है या नहीं है, तो 20 है वो लेस देन नहीं है तो हमें राइट हैंड साइड वाला चूज करना है। हमें सिर्फ इसी पार्ट पर फोकस करना है तो हमें इसी को प्रिंट करना है। तो हम लेफ्ट साइड में स्पेस और यहाँ पर ये नंबर प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ 22 मिडिल नंबर है, इससे हमें कंपैरिजन करना है। 20 है वो इससे छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को प्रिंट करना है। इसमें फिर 18 मिडिल नंबर है, उसको उससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो 20 उससे बड़ा है और उसको प्रिंट कर रहा है। इस तरह से बाइनरी सर्च जो फंक्शन है वो एक उस एल्गोरिथम को अपना रहा है जो ये कंसिडर करता है कि ये एरे सॉर्टेड है तो आधे एलिमेंट्स को ही कंपैरिजन करना है। मिडिल नंबर को कंपैरिजन किया और उससे पता कर लेता है कि ये जो नंबर सर्च करने हैं ये लेफ्ट साइड में मिडिल से या राइट साइड में। यदि लेफ्ट साइड में तो राइट साइड वाली को इग्नोर करो, राइट साइड में तो लेफ्ट साइड वाली एरे को इग्नोर कर दो। ये जो एल्गोरिथम है ये मिडिल नंबर को कंपेयर करता है, मिडिल नंबर को सर्च करके कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद में यदि ये मिडिल नंबर के इक्वल हमें मिल जाता है तो ये उस सबस्क्रिप्ट को रिटर्न कर देता है, ये हमें मिल गया है। यदि नहीं मिला तो ये फिर एरे को साइज को छोटा करता है, ओरिजिनल एरे में लेफ्ट साइड सर्च कर लेनी है या राइट साइड लेनी है उसको सेलेक्ट करता है, और फिर लूप या वाइल लूप में है तो ये उस पार्ट को ओरिजिनल एरे के सिर्फ उस छोटे से पार्ट में रिपीट करता है, पहले आधे में फिर एक चौथाई में फिर एक बटा आठवें हिस्से में, इस तरह से। ये सर्च तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि मिडिल एलिमेंट इस एरे का इसे नहीं मिल जाता, ये इक्वल नहीं हो जाता, या तो तब इसका एंड होगा या फिर जब ये जो एरे है उसमें इसे की नहीं मिलती है, लो की वैल्यू हाई से ज़्यादा हो जाती है तो ये रिटर्न -1 कर देता है। ये जो बाइनरी सर्च का मेथड है ये आधे एलिमेंट्स को एक कंपैरिजन में हटा देता है। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो हम फाइनल सर्च में 2 स्टेप्स में जा सकते हैं, क्योंकि पहले कंपैरिजन में ये बता देगा कि मिडिल वैल्यू सर्च कर रहे हो या लेफ्ट या राइट, और दूसरी स्टेप में पर्टिकुलर एलिमेंट ये बता देगा। यदि पहली स्टेप में नहीं मिला तो दूसरी में पक्का बता देगा। यदि 7 एलिमेंट की एरिया है तो ये 3 स्टेप में बता देगा। यदि हम इसी तरह से ये एरे ले रहे हैं, हमें 10 कंपैरिजन करनी है तो 1023 एलिमेंट्स तक की एरे को 10 कंपैरिजन में ये सर्च कर लेगा। इस तरह से ये जो एरे सर्च का बाइनरी सर्च का मेथड है ये कितनी कंपैरिजन इसको ज़रूरत होती है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने अपने एरे में हैं उससे हम कैसे पता लगाएंगे कितने कंपैरिजन में ये सर्च कर लेगा। तो एरे एलिमेंट हम 2 की पावर लगा के देखेंगे और एरे एलिमेंट 2 की जिस पावर से छोटा है, जस्ट छोटा है, वो पावर का नंबर है, वो कंपैरिजन का नंबर होता है। जैसे 1023 है वो 1024 से छोटा है, और 1024 को हम 2 की घात 10 लिख सकते हैं, 2 raised to the 10th पावर 1024 को लिख सकते हैं। इसका मतलब 1023 एलिमेंट्स तक की जो एरे है उसमें मैक्सिमम 10 कंपैरिजन ये करेगा, 10 टाइम्स में ये सर्च कर लेगा। लीनियर सर्च में ये पूरा 1024 कंपैरिजन होती।
लेकिन यहाँ 1023 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ 10 कंपेरिजन होंगी।